कोई शक नहीं कि भारती सिंह वाकई में इस साल प्रेगनेंसी की प्लानिंग के लिए एक्साइटेड थी। पहले हमने आपको हमारी एक खास रिपोर्ट में ये जानकारी दी है कि भारती सिंह मां बनना चाहती थी और इसे लेकर वो एक्साइटेड भी थी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि भारती सिंह जो मां बनने की प्लानिंग लॉकडाउन में करना चाहती थी वो नहीं हो सका, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने कहा, मां बनना चाहती हूँ लेकिन कोरोना के चलते बेबी प्लानिंग मुश्किल है। जी हाँ, ये नई खबर आई है कि भारती सिंह ने खुद से ही कहा है कि प्रेगनेंसी के लिए अब वो इंतज़ार नहीं कर पा रही है। अब उनके लिए प्रेगनेंसी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक सफ़र होने वाला है। लेकिन हाँ, जो सपना उनका 2020 में पूरा ना हो सका, उस सपने को 2021 में भारती सिंह ज़रूर पूरा करना चाहेंगी। और इसके लिए भारती सिंह ने यह फैसला ले लिया है कि वो 2021 में बेबी प्लानिंग कर रही हैं। जी हाँ, 2020 में 2020 के साथ 2020 खेल रही हैं वो, और वो सोची थी कि 2020 खेल लेंगी, लेकिन कोरोना की वजह से वो रिस्क नहीं ले सकती। ऑलरेडी वो पहले भी कई तरह की परेशानियों से जूझ चुकी हैं और भारी भरकम शरीर के कारण उनके लिए तकलीफदेह सिचुएशन है। तो हेल्दी माहौल में ही वो अपने बच्चे की प्लानिंग करना चाहती हैं, क्योंकि ऐसे समय में हॉस्पिटल जाने में बहुत खतरा है। और बाकियों की तरह वो हेल्दी ज़रूर है, लेकिन उनकी बॉडी की वजह से उन्हें तकलीफ हो सकती है, तो प्रेगनेंसी का प्लानिंग उन्होंने इसलिए ना किया। जी हाँ, रेगुलर चेकअप कराने में हॉस्पिटल जाना पड़ता है प्रेगनेंसी में, ये जानती हैं वो, और ऐसे लॉकडाउन में वो नहीं जा सकती थी, इसलिए बेबी के हेल्थ को खतरे में ना डाले वो, इसलिए उन्होंने 2021 का इंतज़ार किया है। अब साल 2017 में दिसंबर के महीने में अपने लॉन्ग टर्म बेओ हर्ष निम्बाचिया के साथ भारती ने शादी रचाई। दोनों 7 साल तक रिलेशन में रह चुके थे पहले से ही। हर्ष के जन्मदिन पर भारती ने कलाई में उनके नाम का टैटू भी बनवाया। हर्ष को सरप्राइज देकर कॉमेडी के सर्कस में सेट पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी और यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई, जो कि शादी के बंधन में बंधने के बाद एक एग्जाम्पल बन चुकी है। हर्ष भारती की जिंदगी में एक अपने आप में खुशी का सिर्फ कारण है। पूरी जिंदगी भारती अपने हस्बैंड हर्ष को मानती है। तो ऐसी है इनकी लव स्टोरी, जो अब बहुत जल्दी 2 से 3 होने के लिए तैयार है, क्योंकि 2 ही महीना रह गया है अब 2020 से 2021 में जाने का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।